हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने इससे प्रीवियस वीडियो में जो देखा था वो था मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन एंड लीनियर कॉम्बिनेशन। ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन देखा था कि हमने एक मैट्रिक्स है और ये वेक्टर है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इस तरह से डिफाइन होता है। अब फ्रेंड्स, अगर हम इस मैट्रिक्स को ही ध्यान से देखें, इस मैट्रिक्स को ही अगर ध्यान से देखें तो मैट्रिक्स सम की प्रॉपर्टी से हम देख सकते हैं कि इस टर्म को हम अलग लिखते हैं। मतलब ये हमारे पास बेसिकली मैट्रिक्स एक ही मैट्रिक्स है, बट इसको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हैं। तो इसको हम अलग पार्ट में डिवाइड करके इस तरह से लिख सकते हैं। वैसे ये बेसिकली यहाँ से हो जाएगा A11, जो यहाँ पे मैंने नीचे दिखाया है। इसको बैक ऑर्डर में समझ रहे हैं, इन दोनों का हमने इस तरह से लिख दिया। तो ये सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, क्योंकि ऐड करने पे सिंपली कॉलम ऐड हो जाएंगे, तो वही प्रॉपर्टी वही आ जाएगी। ऊपर की जो मैट्रिक्स थी वही आ जाएगी हमारे पास। अब यहाँ पे हम X1 कॉमन ले सकते हैं, यानी X1 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास X1 और इस जो मैट्रिक्स बचेगा, मैट्रिक्स क्या बचेगा अंदर, A11, A21 डॉट डॉट AM1। इसको हमने एक मैट्रिक्स दे दिया वैक्टर B1। इस मैट्रिक्स को वेक्टर B1 दे दिया। इस तरह से X2 V2 डॉट डॉट XN VN। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम कह सकते हैं अगर ये जो है वो हमारे पास इस तरह से कुछ मैट्रिक्स हैं, ये में V1 V2 डॉट डॉट VN, इस तरह से मैट्रिक्स हैं हमारे पास, सॉरी वेक्टर्स हैं, मैट्रिक्स नहीं वेक्टर्स हैं, V1 V2 डॉट डॉट VN, एंड X जो है इस तरह से एक मैट्रिक्स है या वेक्टर है। तो उस कंडीशन में AX जो होगा वो होगा X1 V1 प्लस X2 V2 प्लस डॉट 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 XN VN। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को भी कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल ले रहे हैं। गिवन है A बराबर ये दिया हुआ है, X बराबर ये दिया हुआ है। कंप्यूट AX बाय 2 वे। फर्स्ट यूजिंग द ओरिजिनल डेफिनेशन 4.1, ओरिजिनल डेफिनेशन जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग। सेकंड, एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम्स ऑफ ए। तो इस वीडियो में हम सिंपली लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से देखेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो इसे डिफाइन करने के लिए ये हमारे पास ए एक्स निकालना है। तो ये क्या है, X1 और V1। V1 क्या है हमारे पास, V1 ये V1 है, ये V1 V2 V3। तो ये V1 हो गया हमारे पास -1 4 3 0 प्लस X2 V2। V2 क्या है, 1 1 -3 -4, 1 1 -3 -4 प्लस X3 क्या है हमारे पास, X3 है हमारे पास 0 -2 0 -2 3 -3। तो यहाँ से हमारे पास ये हो गया, हमारे पास अगर एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हर कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया -X1। इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4X1, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3X1 एंड 0। एक ये हो गया। उसके बाद हमारे पास इस टर्म में ये हो गया X1, 1 से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद फिर से 1 से मल्टीप्लाई हुआ, सॉरी X2, यहाँ पे X2, यहाँ पे -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3X2, और यहाँ पे -4 से मल्टीप्लाई होगा तो -4X2। सिमिलरली थर्ड जो है कॉलम वो लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ये एडिशन है, एडिशन के अंदर मैं ये कॉलम लिख रहा हूँ फ्रेंड्स। ये हमारे पास 0 और ये हो जाएगा -2X3, -2X3 और ये हो जाएगा 3X3, 3X3 और ये हो गया -3X3। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, हम जो फाइनल आएगा इन कॉलम का ऐड करना है, तो ये हो जाएगा -X1 प्लस X2। 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरह से यहाँ पे आ गया सेकंड कॉलम, 4X1 प्लस X2 -3X3, ये आ गया यहाँ पे हमारे पास। और यहाँ पे 3 है ना, माइनस सॉरी -2X3 है, -2X3 और ये हो गया यहाँ पे 3X1, 3X1 और ये हो गया -3X2, -3X2 प्लस और ये हो गया 3X3।
लाइफ फाइनल है तो 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है, -4x4 और ये हो गया माइनस, और यहाँ पे जो है वो है -3x3, तो -3x3, तो ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आ गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन AX जो है मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन इस तरह से भी कर सकते हैं, और जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था उस तरह भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम द मैट्रिक्स इक्वेशन प्रॉब्लम देखेंगे।